हेलो स्टॉप किडनी डायलिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। स्वागत है आप सभी का कर्मार्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से ले सकते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप नेचुरल तरीके से अपनी किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी से गंदगी और टॉक्सिन्स निकालने का काम किडनी का होता है। टॉक्सिन्स बॉडी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करना इम्पॉर्टेंट होता है। ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज होती हैं। किडनी खराब होने पर डायलिसिस करवाना पड़ता है, इसलिए किडनी को हेल्दी रखना ज़रूरी है। किडनी बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर किडनी खराब होती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे शरीर पर पड़ता है। कभी कभी कुछ किडनी पेशेंट्स किडनी को सही करने के लिए नेचुरल तरीके ढूंढते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट्स किडनी प्रॉब्लम के सिम्टम्स को कम करते हैं, प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं कर पाते। इसके लिए पेशेंट्स को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की एडवाइस देंगे हम, इसीलिए आज आपको नेचुरल तरीके बताएंगे जिनसे आप किडनी फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है, नमक ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। ज़्यादा क्वांटिटी में नमक किडनी को ख़राब करता है। मील्स में लिया गया 95% सोडियम किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होता है। एक्सेसिव सॉल्ट किडनी के वर्क प्रोसेस को स्लो करता है, इसलिए ज़्यादा नमक ना खाएं। सेकंड है, एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करें। ये किडनी ट्रीटमेंट्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके एंटीबैक्टीरियल बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। एप्पल साइडर विनेगर के यूज से किडनी स्टोन धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है। थर्ड है, स्मोकिंग और टोबैको क्विट करें। इन हैबिट्स के कारण एस्ट्रोकोलोसिस होता है, जिससे ब्लड वेन्स में और ब्लड फ्लो में कमी आती है। साथ ही साथ ये किडनी की फंक्शनिंग को भी कम करता है। फोर्थ है, पानी ज़्यादा पीना किडनी के लिए बेनिफिशियल होता है। किडनी प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, इससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। फिफ्थ है, मुनक्के का पानी पिए। कुछ मुनक्के ओवरनाइट पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर इसके पानी को पिए। रेगुलरली ये करने से किडनी प्रॉब्लम दूर होती है। सिक्स्थ है, डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि प्रॉपर डाइट न सिर्फ किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करती है बल्कि पूरी बॉडी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। इसके लिए आप कम सोडियम और कम शुगर वाले मील्स लें, जिससे किडनी पर कम प्रेशर पड़े। सेवन्थ है, वेट मॉनिटर रखें। इसके लिए आप डेली एक्सरसाइज और योगा कर सकते हैं। वेट कंट्रोल रहने से किडनी फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं। एट्थ है, बेकिंग सोडा कंज्यूम करें। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग किडनी प्रॉब्लम से बचने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट काफ़ी बेनिफिशियल होता है, जो कि बेकिंग सोडा में पाया जाता है। नाइन्थ है, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करें, क्योंकि इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ने से किडनी प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। 30% डायबिटिक पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ब्लड शुगर में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करना ज़रूरी है। लास्ट है, वेजिटेबल जूस पिए। किडनी प्रॉब्लम्स होने पर कैरेट, कुकुम्बर, कैबेजेस और गोड यानी कि लौकी का जूस पीना चाहिए। इससे किडनी प्रॉब्लम्स में रिकवरी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और किडनी भी हेल्थी बनी रहती है। तो ये थी किडनी फंक्शन को नेचुरली इम्प्रूव करने से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप या आपका कोई अपना इस बारे में और जानकारी चाहता हो तो आप कर्मार्वेदा किडनी केंद्र में ज़रूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।